हेलो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र में सर्च करूंगा CGBSE। सर्च कर लिया मैं। सर्च करने के बाद यहाँ CGBSE.NIC.IN ये फर्स्ट वाला वेबसाइट है, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग इसे डेस्कटॉप मोड पे सिलेक्ट कर लेंगे। डेस्कटॉप मोड पर सेलेक्ट करने के बाद तो अभी क्या है, अभी 10th का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, पर 12th का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। 10th का रिजल्ट आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ लिखा है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2021 के परिणाम घोषित किए गए। यहाँ से आप 10th का रिजल्ट चेक कर सकते हो, देख सकते हो। हम लोग को लेकिन 12th का देखना है, तो इसके लिए हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ लिखा है विद्यार्थी कॉर्नर। तो विद्यार्थी कॉर्नर लिखा है, उसके नीचे में लिखा है परीक्षा परिणाम 2021 और बगल में प्लस का आइकन है, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ लिखा रहा है हाई स्कूल परीक्षा परिणाम और उसके बगल में प्लस का निशान है, उसमें क्लिक करेंगे तो 10वीं का रिजल्ट हम लोग को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पर अब जब 12वीं का घोषित किया जाएगा तो यहाँ नीचे में लिखाएगा हाई सेकेंडरी स्कूल परीक्षा परिणाम 2021, तो हम लोग को उसको ओपन करना है। जैसे कि अभी 10वीं को मैं ओपन कर रहा हूँ, सेम वैसे 12वीं का भी खुलेगा। तो जैसे कि ये 10वीं का है तो प्लस का आइकन में क्लिक करेंगे, वैसे आप 12वीं का भी क्लिक कर सकते हैं और 12वीं का रिजल्ट देख सकते हैं। तो मैं 10वीं का ही रिजल्ट चेक करके बता देता हूँ आपको। ये प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा है मुख्य परीक्षा, तो इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ अपना रोल नंबर डालेंगे और नीचे में कैप्चर कोड लिखा है ये डालेंगे और सबमिट करेंगे, तो अपना रिजल्ट खुल जाएगा, अपन रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो।